नाज़रीन, मेरे सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम लोग एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हुए हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर फैसलाबाद में खाने पीने का बहुत लोगों को शौक़ है और बहुत सारे यहाँ पर खाने पीने की जो सी पकवान की दुकानें हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि फैसलाबाद के शहरों से कितनी गहमा गहमी है, ट्रैफिक जो सी है वो बंद हुई हुई है, सारा दिन रोड पर यही सूरत हाल रहती है। लेकिन फिर भी जो खाबों के शौकीन हैं वो घर में नहीं रह सकते, वो बाहर आ ही जाते हैं क्योंकि उनको कुछ ना कुछ खाना होता है। तो इसी तरह आज हम लोग वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आए हैं और इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने जा रहे हैं जो खाने पीने के हवाले से है। मतलब यहाँ पर मीठी चीज़ें भी मौजूद हैं और सीज़न भी चेंज हो गया, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब इसको कहते हैं लाहौरी पूरा, और फेनियाँ भी हैं और सेवियाँ भी हैं और बूंदी, नीमको, गच्चक, और यहाँ पर भी ये जो बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं पड़ी हैं मीठी, इसको मतलब अंदरसे भी कहते हैं। और ये क्या भाई, ये भी अंदरसा है, मतलब बड़े वाला अंदरसा, टिक्की वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भाई अंदरसे निकाल भी रहे हैं और हमारे सामने बना भी रहे हैं, तो ये भी भाई यहाँ पर दोनों, मतलब भाई इस वक्त जो गर्मा गर्म अंदरसे बनाने में मसरूफ़ हैं, तो इनसे जानते हैं कि ये जो से वो है अंदरसे किस तरह तैयार करते हैं। हाँ जी, गरम गरम बनाते हैं, बिल्कुल जी। इन्होंने, भाई ने भी कहा कि ये गरम गरम बनाते हैं, तो गरम गरम अंदरसे ही यहाँ पर ये तैयार कर रहे हैं। तो अब भाई की तरफ चलते हैं और भाई से पूछते हैं कि ये जो अंदरसे वो कैसे तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा, तो भाई आप यहाँ पर अंदरसे बना रहे हैं, तो मुझे ये देखें जी हाथ से फटाफट तोड़ तोड़ के जल्दी जल्दी डाली जा रहे हैं गर्मा गर्म घी में। तो मुझे बताएँ कि अंदरसे आप खुद बनाते हैं, मतलब तरकीब आपकी खुद ही है इसको बनाने की? अच्छा, ये देखिए जी। तो अच्छा, ज़रा एक मिनट साइड पे मुझे ये पीछे दिखाएं। नहीं नहीं, ये आपके पीछे, ये ज़रा मुझे बताएं, ये तो देख भी लेना, आपके अंदर से जल ना जाए। ये आप मुझे बता दें भाई इतनी देर में, ये आटा गूंदा हुआ है? हाँ जी, ये चावलों का आटा है। चावलों का आटा है, और ये साथ यहाँ पर तिल रखे हुए हैं, और ये आटा वो जो गूंदा हुआ जिसके आप अंदर से बना रहे हैं। अच्छा, ये देख लें व्यूअर्स, मतलब इसको सिंपल आप मतलब गूंदते हैं आटे के, ओ सॉरी, चावलों के आटे को इसमें पानी में, हाँ चीनी में, मतलब शीरा डालते हैं उसका। अच्छा, शीरा डालते हैं, और ये देखें जी कितने बड़े चम्मच के साथ ये बना रहे हैं। एक मिनट दिखाना, मैं भी हिलाऊँ। ये लें व्यूअर्स, मैं आप लोगों के लिए अंदरसे भी निकाल रही हूँ। ये अंदरसे भी भाई निकाल रहे हैं, ये ले भाई। अच्छा, ये दिखा दिया इन्होंने कि चावल के जो आटे के बनते हैं, शीरा डाल के उसको गूंदते, दूध वगैरह तो कुछ नहीं डालते आप लोग उसके अंदर? नहीं, नहीं। अच्छा, दूध वगैरह कुछ नहीं डालते। ये देख लें जो दोनों भाई निकाल रहे हैं, ये भाई के बन गए हैं, और ये सारे गर्मा गर्म निकाल के साइडों पर रख रहे हैं इसको, और कैसे गत्ते की मदद से मतलब इसकी जो है ना वो तह लगा रहे हैं। तो दोनों ही तरह के जो अंदरसे हैं वो गोल वाले हैं और ये छोटे वाले हैं। हमें भी पसंद है अंदरसे, हम भी इनसे ख़रीदते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। और यहाँ पर ये चीज़ों का भी मुझे बताएं, ये जो रेवड़ी है, गच्चक, दास्ते यार। अच्छा, तो व्यूअर्स ये भी आप लोग देख सकते हैं कि भाई मुझे ये बताएं, ये रेवड़ियाँ सारी मतलब क्या साइज़ की वजह से डिफरेंट है, प्राइस डिफरेंट है, प्राइस भी डिफरेंट है इनकी, प्राइस भी डिफरेंट है, तो क्या मतलब क्या खासियत है इसमें, क्या खासियत है? ये चीनी वाली है। अच्छा, ये गुड़ वाली है। ये गुड़ वाली है, ये 400 रुपये किलो, ये 400 रुपये किलो, और ये चीनी वाली 320, ये 320 और 360, ठीक है। और ये वो है सोन हलवा, ठीक है। ये सोन हलवे की टिक्की भी आप लोग देख सकते हैं व्यूवर्स, ठीक है। और गच्चक भी आपको दिखा दिया। इसके अलावा ये है वो, ये भी गच्चक ही है, लेकिन ये तिल वाली गच्चक है ना? हाँ, ये तिल वाली गच्चक है। तो उसकी क्या प्राइस चल रही है आजकल? 400 रुपये किलो, क्योंकि वेदर चेंज हो गया, लोगों ने चीज़ें खरीदनी है। तो ये भी सोन हलवे की टिक्की है, ये भी 400 रुपये किलो है। किस तरह? और ये इनको 320 रुपये किलो, 320 रुपये किलो। तो ये जो सारी मतलब मिठाइयाँ वगैरह या ये निमको, ये आप लोग खुद ही तैयार करते हैं? चेक कर लिए भाई, खुद ही तैयार करते हैं, सही है। अच्छा, तो ये क्या चीज़ पड़ी हुई है? ये मीठी डांग, एक डांगरी वो भी तो होती है जो पिंक कलर की लंबी लंबी सी होती है, नहीं उसको गट्टा कहते हैं, जो जिसके अंदर वो होता है जीरा, पता नहीं क्या, वो नहीं है, चीनी, और चीनी वाली है ये। अच्छा, और ये माइक्रोनी है, और ये क्या है? चिप्स के पापड़ है, फिश क्रैकर, फिश क्रैकर। भाई कितने पैसे मोड़ रहे हैं? हो। अच्छा, तो व्यूअर्स भाई कह रहे हैं कि फिश क्रैकर, ये बोला ना आपने? अच्छा, इसकी मतलब क्या, किस चीज़ से तैयार किया है इसको? पापड़
पापड़ बनते हैं नहीं मतलब इसका अभी आपने मुझे बताया था मकई चावल से तैयार करते हैं मकई चावल। तो व्यूअर्स ये एक नई चीज़ है कि मतलब आप लोग जब यहाँ पर आएँ तो इनकी दुकान से ये ले सकते हैं। मतलब लाइक ये पापड़ ही है लेकिन इसकी जो उन्होंने चीज़ बताई कि इसको चावल के आटे से तैयार किया जिसको और गंदम के साथ। ये देखे जी पूरे मतलब यहाँ पर ये कलर भी आप देख सकते हैं ग्रीन येलो ऑरेंज ये यहाँ पर मौजूद है। अच्छा इसको बूंदी कहते हैं ना ये तो बूंदी है पकौड़ियाँ दही भल्लों वाली। अच्छा तो यहाँ पर मकई के दाने मतलब इसके पॉपकॉर्न तैयार होते हैं ये वो वाले दाने हैं और ये पापड़ है यहाँ पर और ये माइक्रोनी वगैरह सारा कुछ यहाँ पर। अच्छा तो ये लाहौरीपुरे की जो टिक्की है एक ये कितने की देते हैं आप लोग 120 रुपए किलो 300 रुपए किलो ठीक है। तो ये सारे जो सके जैसे सेवैयाँ वगैरह ये सारा खुद आप तैयार करते हैं माल ठीक है। तो यहाँ पर पीछे ही आप यहाँ पे दुकान में तैयार करते हैं अंदर कारखाना है। अच्छा व्यूअर्स तो पीछे आप देख सकते हैं कि पीछे कारखाना है इनका जहाँ पर ये अपना सारा माल तैयार करते हैं। तो ये क्या चीज़ है दिखाइएगा लंबे पकौड़े सालन बनाने के लिए बड़ियों की जगह पे मतलब क्या इसको जैसे मतलब बूंदी तैयार करते इस तरह तैयार करते हैं। अच्छा अच्छा इसकी क्या प्राइस है 320 ठीक है। और ये देख लिया हम लोगों ने मतलब पकौड़ियाँ या सालन तैयार करने वाली भी और सब कुछ ये लोग खुद तैयार करते हैं पीछे इनका कारखाना है। और यहाँ पर जी व्यूअर्स बहुत सारी वैरायटी मौजूद है आप लोग यहाँ पर आएँ और इनसे जो सा है वो चीज़ें खरीदते हैं और दोबारा चलते हैं हम लोग अपने वो मदरसों की तरफ और देखते हैं कि भाई दोबारा से वो मदरसे डाल रहे हैं। ये अच्छा तो ये जो से ये फेनियाँ वगैरह ये तो पहले ईद के दिनों में होती थी मतलब रमज़ान वगैरह में अब ये 12 महीने चलने लग गया काम। अच्छा तो यानी कि फेनियाँ वगैरह पहले ये था कि ईद पे मतलब हम बेकरी वगैरह से लेते थे लेकिन अब मुझे यहाँ पर दुकान पे नज़र आ रही कि यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं मतलब अब ये नहीं कि रमज़ान में ये आपको बेकरी से ही मिलेंगी वो देखें वहाँ पर भी वो तैयार की जा रही हैं सेवैयाँ वगैरह बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं और सारा कुछ यहाँ पर तैयार हो रहा है ठीक है। और यहाँ पर ये छोड़ते हैं कबाब वगैरह तैयार किए जा रहे हैं शामली इतने बड़े बड़े बर्तन हैं ठीक है। तो ये भी बड़ा खाबों का शहर है फैसलाबाद खाते पीते लोग हैं यहाँ पर और खाबों के शौकीन हैं तो इसीलिए नित्य ही जोसी हैं हम लोग आप लोगों के लिए वीडियोस और लेके आते रहते हैं ताकि आपको जोसी है यहाँ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे खाने के लिए क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं क्या क्या आप लोग ले सकते हैं शहर की बाजार की चहलकदमी और गहमा गहमी भी आप देख सकते हैं। ऊपर ये सर्दियाँ आ गई हैं तो ये देखिए टोपियाँ वगैरह और ये बैग ये सारा कुछ यहाँ पर मौजूद है तो लोग लगे हुए हैं अपने कामों में और अपनी शॉपिंग वगैरह भी कर रहे हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। ये देखें क्लीन बेचने वाले पठान भी आ गए हैं पसंद आएगी तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल के विद नाज़िर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स देते हैं आप लोगों से इजाज़त इंशाल्लाह एक नई रेसिपी और एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे बहुत जल्द। हम आपके लिए दुआ गो हम दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।